नमस्कार। आज मराठी कवि नामदेव ढसाल की एक कविता पढ़ने जा रहा हूं, बार बार अंडर ट्रायल। इसका हिंदी रूपांतरण चंद्रकांत पाटिल ने किया है। बार बार अंडर ट्रायल, बार बार अंडर ट्रायल, फिर से ऑथर रोड, फिर से जिंदा दुनिया से स्थिर डबरे की ओर, फिर से कविता की जगह की ओर। हमारे मस्तिष्क में मेंढक डराव डराव कर रहे हैं, इनमें अचार की बू आ रही है। पत्थर दिल न्यायाधीश, कसाईयों का बाजार, कोर्ट का हाथा, जंगली भैंसे जैसी उन्मत्त न्याय देवी। बार बार आंखों के सामने से आगे सरकता जा रहा है सिनेमा, नंग धड़ंग नाच रहा है। सही है कि ऐसे तस्करी राज में हमें समक्त लेने के लिए समाज के पास दिल बचा नहीं है। हमें आग ने पकड़ लिया है और हम सुलग उठे हैं, हमारी कब्रें बांधी जा रही हैं और हम मौत को चुनौती दे रहे हैं। हमने रेंगते रेंगते सुनी थी अनगिनत कहानियां शैतान की, हमने बढ़ते बढ़ते सुनी थी अनगिनत कहानियां दैत्य की, न्याय और व्यवस्था की गंध भी ना होने वाली। रात दिन खून की कह करते करते बूढ़ी हुई हमारी दादी, उसने हमें आधुनिक दैत्य की कहानियां ही सुनाई। सार्वभौम देश में सार्वभौम प्रजातंत्र की नई किंवदंती हमारी दादी तक नहीं पहुंची। या उच्च आसन पर बैठा हुआ, काले कपड़े पहना हुआ, काले दिल का आदमी है आधुनिक दैत्य। वह हमें सताता है, वह हमें हरास करता है, वह हमें जमानत नहीं देता, वह काले का सफेद करता है, वह चोरों को छोड़ सन्यासी को सूली पर चढ़ाता है, वह हमें बिना वजह सलाता है, वह हमारी बोटी बोटी काट खाता है। अनाड़ियों में ज्ञानी हमारी दादी, समझदार को अदालत का मुंह नहीं देखना चाहिए। इस बात का उद्घोष करने वाली जिस व्यवस्था ने उसकी और हमारी जिंदगी को लपेट लिया है, वह व्यवस्था को ना समझने वाली हमारी दादी। दुख किसने दिया है इसे खोजने से इनकार करने वाली हमारी दादी। मरते मरते उसने भी हमारी जड़ों को दुख की जमीन में फूटने दिया। अब हम हमें दुख देने वाले दैत्य से लड़ रहे हैं। वह हमें न्याय और व्यवस्था का सहारा लेकर सताता है। किसने उसे सार्वभौम हक दिए हैं? कौन सी जन अदालत ने परवाना दिया है? किससे पूछ कर लिखा गया है संविधान? किसके लिए, किसके फायदे के लिए बनाए गए हैं कानून? किसकी भलाई के लिए बनाए गए हैं विधि और व्यवस्था? हमारी माँ के लिए, हमारे बाप के लिए, देश की नींव रखने वाली हमारी प्यारी जनता के लिए? झूठ है न्याय और व्यवस्था का नाटक, कतई झूठा है प्रजातंत्र का प्रशासन। खाओ खुजाओ की जिंदगी हमारे दामन में डालने वाली यह व्यवस्था, कानून ओढ़कर हमारे घर बार पर हल चलाने वाली यह व्यवस्था, कोल्हू से जोत कर हमें बैल से कड़ी मेहनत कराने वाली यह व्यवस्था, हमारे दिलों में कांटों जैसी चुभने वाली यह व्यवस्था, हमारे सिरहाने के ऊपर छत और पैरों तले जमीन छीनने वाली यह व्यवस्था, लगातार हमारा शोषण करने वाली यह व्यवस्था। हम सुलग उठते हैं इसके प्रतिरोध में और यह काला चोगा पहने बकरा हमारी जमानत को मंजूर नहीं कर रहा। इसके हाथों का तराजू हमारे दुश्मनों की ओर झुकने वाला, इसने न्याय देवी को बनाया है वरांगना। वह सोती है दिन दहाड़े पैसे वालों के साथ, माँ का रूप लेकर हमारी चुड़ैल बन जाती है। इसकी कथनी में होता है सर्वकस प्रजातंत्र, इसकी कथनी में होता है सर्वकस प्रजातंत्र, करनी में तानाशाही। वह हमें गोलियों से भून डालती है, वह हमें फरेबी हाथों से जहर पिलाती है। उनके मुंह में राम होता है और बगल में गिलोटिन। हम उसके प्रतिरोध में खड़े होते हैं, विद्रोह करना चाहते हैं, और फिर बार बार अंडर ट्रायल, बार बार आर्थर रोड, बार बार धुंधलाने वाले स्थिर निश्चल डबरे की ओर, कविताएं लिखने वाली दुनिया की ओर, काले कपड़े भीतर के बकरे को गालियां देते हुए।